नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बॉय इसी चैनल पे। तो दोस्तों, कई बार हम लोग बॉलीवुड का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, या किसी गाने का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, या कोई फुटेज इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। तो उसको जब यूज करते हैं हम, तो हमें मिलता है कॉपीराइट क्लेम। तो ये तो समझ में आती है बात कि हमें कॉपीराइट क्लेम मिल गया क्योंकि हमने कॉपीराइटेड कंटेंट यूज किया था। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं या कोई और म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं जिस पे हमें मिलता है कॉपीराइट क्लेम। और कॉपीराइट क्लेम देने वाली कोई और कंपनी नहीं बल्कि एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी। इस वेबसाइट से हमें कॉपीराइट क्लेम मिलता है। तो कई लोगों के जहन में ये आता है, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमें फेक कॉपीराइट क्लेम मिला है या फिर हमें सही कॉपीराइट क्लेम मिला है, क्या हमें अपील करनी चाहिए इसके लिए या नहीं करनी चाहिए। तो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि असल में ये कॉपीराइट क्लेम जो मिलती है हॉक फॉर थर्ड पार्टी की तरफ से, ये कॉपीराइट क्लेम सही होती है या गलत होती है, आपको अपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोग म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं बॉलीवुड का, जैसे टिप्स का हो गया, सेमारू का हो गया, सारेगामा का हो गया, वीनस का हो गया, और भी बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं। अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके पास कंटेंट आईडी होती है, तो ये सब कंपनियां डायरेक्ट हाथों हाथ हमें कॉपीराइट क्लेम दे देती हैं। लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि खुद कॉपीराइट क्लेम नहीं देती हैं बल्कि हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी तरफ दिलवाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी है ये कोई म्यूजिक बनाने वाली कंपनी नहीं है, कोई ये वीडियो नहीं बनाती है, कोई ये फिल्में नहीं बनाती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि किसी भी वीडियो को, किसी भी म्यूजिक को अगर बिना परमिशन के यूज किया जाए तो इस पर ये ब्रेक लगाती है, यानी इस पर कॉपीराइट क्लेम देती है। क्योंकि हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी जो ये है, इसका काम ये होता है कि किसी के भी कंटेंट को सुरक्षित करना। तो जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक किसी ने बनाया है, तो वो कंपनी जो है वो जाती है हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी के पास में, उसको पैसे पे करती है, बोलती है कि भाई हमारे ये कंटेंट है, हमारे कंटेंट को कोई यूज करने से आप बचाइए। तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है अदर कंपनियों को, जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती है उनको प्रोवाइड कराती है। यानी हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी का काम इतना होता है कि कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूजिक जिसका इनको परमिशन मिला हुआ है, कंटेंट आईडी मिली हुई है, कि आप हमारे म्यूजिक को सुरक्षा दीजिए, हम इसके बदले में आपको पैसा देंगे। तो ये सिर्फ उनसे पैसा लेके उनके कंटेंट को सुरक्षित करती है। तो जब भी आप कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाइसेंस जो होता है वो तो म्यूजिक कंपनी के पास होता ही है जिसने म्यूजिक बनाया है, लेकिन इसके जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो है हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी की है। तो ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ और सिर्फ किसी के भी कंटेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, बदले में ये पैसा भी लेती है। तो आप चाहें तो, जैसे आप ही का वीडियो है तो वो आपकी वीडियो है, तो आप चाहें तो इनसे कंसल्ट करके अपनी वीडियो को भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई और अगर आपकी वीडियो यूज़ करेगा अपनी किसी भी वीडियो में या किसी भी तरह से, तो ये उस पर भी कॉपीराइट क्लेम दे देंगे। तो सीधी सीधी बात ये निकल के आती है कि हॉक फॉर अ थर्ड पार्टी कोई फेक क्लेम नहीं देती है, ये कॉपीराइट क्लेम जो होता है एकदम सही होता है। तो अगर आपको कॉपीराइट क्लेम मिल चुका है तो उसको रिमूव कैसे करना है, इस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके अपने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पूरा ज्ञान।